हेलो दोस्तों, होम शेफ राखी में मैं राखी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई और बेहतरीन रेसिपी लेकर। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो चीज हेल्दी होती है वो टेस्टी नहीं होती है, पर आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप रोल्ड ओट्स। तो मैं यहाँ पे सारा मेजरमेंट कटोरी से कर रही हूँ। तो यहाँ पे घर की जो कटोरी होती है उससे 2 कटोरी मैंने ओट्स लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी ओट्स कढ़ाई में ऐड करूँगी और इसको लो टू मीडियम हीट पे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। जब ये हल्का हल्का भुन जाएगा तो इसमें से सत्तू की खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू इसमें से आने लगेगी। तो इसका मतलब है कि ये भुन चुका है। तो यहाँ पे इसको भुनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस कटोरी से हमने ओट्स को नापा है उसी कटोरी से हम 2 कटोरी सूजी लेंगे। हाँ, यहाँ पर आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। सूजी को हम 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर भून लेंगे। सूजी में से हल्की हल्की जैसे ही खुशबू आने लगेगी इसका मतलब हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। जब तक हमारी सूजी भुन रही है हमने जो ओट्स को रोस्ट करके रखा है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ओट्स पिस के तैयार हो चुका है। तो हम सूजी चेक कर लेते हैं। सूजी भी अच्छे से भुन चुकी है। सूजी को भुनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सूजी को हमें इतना ही रोस्ट करना है, बस इसमें हल्की हल्की खुशबू आनी चाहिए। तो यानी कि हमारी सूजी भुन चुकी है। अब एक बड़े बर्तन में ओट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी बर्तन में हम सूजी को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम यहाँ पर जितना सूजी और ओट्स था उसका आधा हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी ओट्स और 2 कटोरी सूजी था, यानी कि टोटल 4 कटोरी। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी दही ऐड करूँगी। तो 1 कटोरी दही ऐड करके इसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर दूसरी कटोरी दही डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें गांठे नहीं पड़ेंगी, लम्स नहीं पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ऐसे हम इडली के लिए बैटर बना के तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो हमारा मिक्स बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नमक ऐड किया है। अब हम यहाँ पे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए। हल्दी डालना ऑप्शनल है लेकिन इससे अच्छा कलर आएगा। अब इसको और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जी हम ऐड करेंगे, जो भी सब्जी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और काफ़ी सारा हरा धनिया यूज़ किया है। तो सभी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दही और लगभग 1.5 कप पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारा बैटर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो बैटर को रेस्ट करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया क्योंकि सूजी फूल गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी इडली के लिए तैयार हो जाए। तो ये हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। हम चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर एक तड़का का पैन रखा है। अब हम यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ऑयल गर्म हो जाएगा यहाँ पर 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच चना दाल ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल ऐड करेंगे। दालों को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था और काफ़ी सारा मैंने करी पत्ता बारीक कट करके लिया है। तो यहाँ पर उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे गैस को ऑफ और तड़का को हम डालेंगे अपने इडली के बैटर में। इस बैटर से हमारा इडली का टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तड़का डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि तड़का अच्छे से पूरे बैटर में मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा इडली बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमारा जो इडली का स्टीमर है या स्टैंड है उसमें हम पानी डालेंगे और इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे जिससे कि हमारा जो कुकर है, इडली कुकर है, वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये सारी तैयारी हमें पहले से करके रखनी होती है। तो मोल्ड को यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो हमारा इडली का बैटर है उसमें से हम थोड़ा ही बैटर निकालेंगे जितना कि एक बार में इडली बन सकें। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच इडली का बैटर लिया है और इसमें 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच,
सोडा डालने के बाद बैटर को अच्छे से मिला लेना है, और ध्यान रखें हमें इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम मोल्ड में बैटर को भर लेंगे। ध्यान रखें हमें मोल्ड को पूरा नहीं भरना है, वरना इडली का बैटर बाहर निकल के भागेगा और हमारा बर्तन गंदा हो जाएगा। तो यहाँ अब हम अपने मोल्ड को इडली स्टैंड में लगा देंगे। इडली कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे मीडियम हीट पर। तो 15 मिनट हो चुकी हैं और हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको टूथपिक से चेक करके दिखाती हूँ। टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है, क्लीन आई है, इसका मतलब इडली अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी है। तो इडली को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ओट्स की हेल्दी और टेस्टी इडली बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें और चेंज लेके आ सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी हेल्दी और टेस्टी इडली बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये हमारा इडली का बैटर बचा हुआ है, इसी तरह से हम आगे भी इडली बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।